नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटू स्नैक्स एवर यूपी वॉइस में। आज फिर हम एक बेजुबान की जान बचाने आ चुके हैं और आज का कॉलम है वज्जी नगर से। चलिए देखते हैं कहाँ और कौन सा सांप है और उसको सुरक्षित रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करते हैं। उपलों में किसी सांप को देखा गया है, उपले साफ करते समय। चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। और दोस्तों, भैया ने इन्हीं उपलों में सांप को देखा है। चलिए देखते हैं कहाँ है सांप और भैया इस जगह पे बता रहे हैं सांप को। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सांप है। और दोस्तों, सांप को देख लिया गया। ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, यानी कि भारतीय नाग। और दोस्तों, अक्सर उपलों में सांपों का मिलना आम बात है, क्योंकि उपलों में चूहे होते हैं और चूहों के पीछे सांप आ जाया करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप कभी भी उपलों को हटाएं तो हाथ से न हटाएं, डंडे से इधर उधर करके देख लें पहले कि इसमें कोई वन्यजीव प्राणी तो नहीं है, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब इस सांप को बाहर निकाल लेते हैं। ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, यानी कि भारतीय नाग, और इसे गोवन फिटार के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करके हमारी दिल की धड़कन को रोक देता है। अगर आपको कभी भी इसकी स्नेक बाइट होती है तो आपके पास 40 से 45 मिनट का टाइम है और आप हॉस्पिटल पहुँचें। झाड़ फूक का सहारा बिल्कुल ना लें, नहीं तो अपनी जान गंवा देंगे आप। और दोस्तों, मैं आपसे अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर आपको सांप की पहचाननी है तो आपके लिए हर सांप जहरीला है। इसलिए आप इस तरीके से सांपों को पकड़ने की कोशिश कभी ना करें। हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है, इसलिए हम इस काम में एक्सपर्ट हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको पैक कर लेते हैं और इसको इसके सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे, जहाँ ये अपनी आय की ज़िंदगी काफ़ी आराम से काटेगा। इंसानों से दूर, इंसानों से इसे कोई खतरा नहीं होगा और इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब इसको पैक कर लेते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल सिंटू स्नैक्स एवर यूपी वाइस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इन वन्य जीव प्राणियों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके और इनको इनके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाए। सांपों का पर्यावरण में रहना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आपको कहीं पर भी कोई भी सांप दिखता है तो आप उसको सुरक्षित रेस्क्यू करवाएँ और उसको उसके अनुकूलित वातावरण में छुड़वा दें। और दोस्तों, भैया एक और सांप बता रहे हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे एक आध सांप और है। और दोस्तों, काफी ढूंढने के बाद भी हमें यहाँ कोई दूसरा सांप नहीं मिला। अगर पकड़ना चाहते हो तो चलिए दोस्तों, अब इसको इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देते हैं, जहाँ ये अपनी आय की ज़िंदगी काफ़ी आराम से काटेगा। और दोस्तों, इन वन्यजीव प्राणियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, कृपया करके मारें ना।